लेटेस्ट है ये नंबर? यस। ग्रेट। सो वन नंबर अगर आपका बर्थ नंबर है सो वो इंसान की क्वालिटी क्या होगी? आगे बढ़ने की चाह बहुत होगी, लीडरशिप क्वालिटी होगी, इंसान के अंदर थोड़ा ईगो होगा लेकिन झुकने की आदत नहीं। उस इंसान को क्या लगता है जो वन नंबर जिनका डेट ऑफ बर्थ है, उनको लगता है कि मैंने ये छोटे छोटे काम नहीं करे, ये मेरे लिए नहीं बने, उनको लगता है छोटे छोटे काम कोई और करे और उनको आगे लीडर बन के उनको आगे लोगों को यू नो हुक्म ऑर्डर करते हैं। अच्छा है वन नंबर वाले सन किससे बिलोंग करते हैं? सन को हम रिप्रेजेंट करते हैं नंबर वन से। वन नंबर सन का नंबर, सन यानी सूर्य जो हमें रोशनी देता है, जो हमें दिन के उजाले में हर काम करने की, किसी दिन अगर ऐसा हो कि सनी सूरज ही ना निकले वो कितना डार्कनेस फील होगी हमें, कितना सैड फील होगा, कितना सॉरो फील होगा, राइट? तो सन को रोशनी देता है। सो एक नंबर वाले के लिए क्या इम्पोर्टेंट है? सन के हिसाब से अपने आप को रखना। सन डिसिप्लिन मानता है, कैसे? सुबह टाइम पर निकलना है, शाम को टाइम नहीं ढूंढना, ये सन का डिसिप्लिन। सो अगर वो डिसिप्लिन ये एक नंबर वाले अपनी लाइफ में लेकर आते हैं तो अपनी लाइफ में बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। हम अगर बात करें रतन टाटा, वन नंबर 28 को बॉर्न हुए हैं, हम बात करें बिल गेट्स, वन नंबर, राइट, वो भी 28 को बॉर्न हुए हैं, मुकेश अंबानी 19 तारीख 1 तारीख को हुआ है, क्योंकि अपनी लाइफ में उन्होंने उस डिसिप्लिन को फॉलो किया है जो उनके नंबर्स में होते हैं, इसीलिए वो बहुत अच्छा कर पा रहे हैं। वन नंबर वाले ना किसी के अंदर दब के काम नहीं कर सकते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, चिड़चिड़ हो जाते हैं, उनसे अगर आप लेबर यानी कैसे वो काम करवाओ कि ये जेरोक्स निकाल के ले आओ, ये फाइल यहाँ रख दो, वो नहीं कर सकते हैं, वो बहुत चिड़ जाएंगे, जिसकी वजह से उन्हें लगता है मैं चेंज कर लूँ, मैं ये कर लूँ। अभी क्या है, अगर आप अपने नंबर्स को पहचानेंगे तो आप समझिए कि आप हाँ लीडर हैं, लेकिन आपने अपने अंदर वो क्वालिटी डेवलप करनी है कि आप जल्दी प्रमोशन लें या उनके लिए बिजनेस बहुत अच्छा होता है, अपना बिजनेस करें, हाँ अपने हिसाब से चीज़ों को रूल करें, लेकिन बिजनेस में क्या इंपॉर्टेंट है? डिसिप्लिन, डिसिप्लिन ऑफ टाइम। अगर आपने किसी को कोई टाइम का कमिटमेंट किया है तो बी ऑन टाइम। अगर आप उस टाइम की वैल्यू नहीं करोगे तो ये नंबर आपकी वैल्यू नहीं करेगा। एंड जो लोग अपनी लाइफ में फेलियर फील कर रहे हैं वन नंबर वाले, इट्स बिकॉज कि वो लोग उस टाइम को मेंटेन नहीं कर रहे हैं, उस डिसिप्लिन को फॉलो नहीं कर रहे हैं। यही अगर किसी का, हाँ वन नंबर के लिए एक चीज़ और बोलूँगी, अगर वो डिसिप्लिन को फॉलो करेंगे सो किसी भी एज में सही, लेकिन ना बहुत पैसा कमा सकते हैं, बहुत पावर अर्न कर सकते हैं, ये उस नंबर की बहुत अच्छी क्वालिटी है। इस नंबर के लिए रेमेडी भी दे देती हूँ। अगर किसी को भी अपना सन को स्ट्रांग करना है, सन को स्ट्रांग करना है तो क्या है? सूर्य जल, सुबह उठ के सूर्य जल आपको डिसिप्लिन सिखाता है, सन की एनर्जी आप लेते हो, क्योंकि जिस इंसान का सन वीक है उसको बॉडी और बोन्स वीक होती है, पेन होता है, जिसकी वजह से हमें विटामिन D3 लेना पड़ता है। विटामिन D3 इज व्हाट? सन आपके इसमें, राइट, विटामिन डी अगर हमारी बॉडी में कम है यानी सन एनर्जी हमारी वीक है, आप मेडिकल से भी अपनी एनर्जीज को कैलकुलेट कर सकते हो। सो कोई भी इंसान अगर यही मॉर्निंग में उठ के 10 मिनट अगर हम सन एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं तो क्या किसी को वो मेडिसिन लेनी पड़ेगी? नहीं लेनी पड़ेगी, हमारे बोन स्ट्रेंथन हो जाएगी, सुबह उठेंगे डिसिप्लिन आएगा, सूर्य जल चढ़ाएंगे, अगेन वो डिसिप्लिन हम कैरी कर रहे हैं एंड आपकी लाइफ में वो चेंजेस देंगे। यही अगर किसी का डेस्टिनी नंबर वन है, बर्थ नंबर जो बर्थ का टोटल हुआ, डेस्टिनी नंबर जो टोटल नंबर आपकी टोटल डेट ऑफ बर्थ का टोटल हुआ इन सिंगल डिजिट, उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? उनके लिए इंपॉर्टेंट है अगेन उनके जो लाइफ को रूल कर रहा है प्लैनेट वो है नंबर वन। जब मैंने वन नंबर का बर्थ की बात की थी वो इंसान का पोर नेचर था, जब मैंने डेस्टिनी की बात की है यानी जो प्लैनेट आपकी डेस्टिनी लिख रहा है, जो आपको आगे लेके जाएगा, वो प्लैनेट नंबर वन रहेगा। आपने अगेन वन नंबर अगर आपका डेस्टिनी है सो आपने कौन सा काम करना चाहिए? आपने वो काम करना चाहिए जिसमें आप एज ए लीडर बहुत अच्छा कर सकते हैं, आपने लोगों की हेल्प करनी चाहिए। अगर आपका वन नंबर, आप जितना लोगों की हेल्प करेंगे, लोगों को समझेंगे और उस हिसाब से उनको आप आगे गाइड करेंगे, आपका नंबर आपके लिए बेस्ट काम करेंगे।
जिनका सन वीक होता है, कैसे समझे कि ये पता होना चाहिए ना कि हमारा सन वीक है, जिसका सन वीक होता है वो लोग बात को घुमाते हैं, वो लोग टाइम को फॉलो नहीं करते हैं, वो लोगों को दिन भर शरीर में आलस बना रहता है, काम करने का मन नहीं करता। सो जिस जिसका सन वीक है वो ये सारी चीज़ों से रिलेट कर रहे होंगे, इसीलिए उनकी लाइफ में ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं। तो अगर हम इसी डिसिप्लिन को मेंटेन करें, उस हिसाब से अपना विजन रखें, उस हिसाब से हम काम करें, सो ये वन नंबर हमें बहुत सक्सेस दिलाएगा, आपको कहीं भी नहीं रुकेगा। मैं मेरी बात करूँ, मैं न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, मेरा बर्थ नंबर 2 है, मेरा डेस्टिनी नंबर 1 है। सो मेरे लिए क्या इम्पोर्टेंट है, टाइम का डिसिप्लिन। इसीलिए हो सकता है कई बार मैं बहुत रिजिड हो जाती हूँ, क्यों हो जाती हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादातर ऑनलाइन कंसल्टेशन करती हूँ। अगर मैंने टाइम दिया है किसी को 4 बजे, सो आई मेक श्योर कि भाई आप फ़ोन या कहीं से भी लॉग इन कर सकते हो, बी ऑन टाइम। मेरा हमेशा ये रहता है बी ऑन टाइम, क्यों, क्योंकि अगर उस टाइम की हम वैल्यू करेंगे तो टाइम हमारी वैल्यू करेगा। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, सालों से सुनते आ रहे हैं, उसका रीज़न सिर्फ ये है कि वो डिसिप्लिन आपको सन ला के देगा। करियर में इंसान बहुत अच्छा कर सकता है, टेक्निकल फील्ड में बहुत अच्छा कर सकता है, यानी अगर आपने एजुकेशन चूज़ करनी है कि क्या करना है, डेस्टिनी नंबर अगर आपका 1 है तो टेक्निकल फील्ड आपके लिए बहुत अच्छी है, आप उसमें बहुत अच्छा ग्रो करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग में बहुत अच्छा ग्रो कर जाएंगे, राइट ना। अभी यहाँ कौन कौन रिलेट कर रहा है, कोई है डेस्टिनी 1 और बर्थ नंबर 1, ग्रेट, ठीक है। तो हमें लाइफ में क्या फॉलो करना है सक्सेस के लिए, डिसिप्लिन, टाइम मैनेजमेंट। That is the only key to success for one number people, right? Exactly. That is the only key to success. But one, आपके अंदर खुद ही ईगो लेकर आता है। But number अगर 1 है तो आपका नेचर कैसा होगा, मुझे आगे रहना ही। डेस्टिनी अगर आपका 1 है तो वो आपकी डेस्टिनी, आपका करियर लेके चल रहा है। So, उस करियर के लिए डिसिप्लिन मैनेज करना, राइट, तो आपके करियर को बहुत आगे लेके जाए। सन चमकता है, हाँ जी, दोनों 1 है तो, दोनों 1 है तो आपको दोनों भी चीजें फॉलो करना पड़ेगा। दोनों 1 है तो आपके अंदर बॉडी में हीट ज्यादा होगी, है ना। तो आपने क्या कोशिश करना है कि आप खाने के बाद छाछ लें, राइट, नहीं तो स्टमक इश्यूज बहुत बढ़ जाएंगे। एंड जब बॉडी में हीट ज्यादा होती है, गुस्सा बहुत होता है, उस गुस्से में कंट्रोल करने के लिए मेडिटेशन इंपॉर्टेंट होता है। हाँ, सो 1 नंबर सन का नंबर है, बॉडी में हीट प्रोड्यूस करें, ठीक है। सो नाउ कम टू नंबर 2, नंबर 2 वाले कौन कौन है, व्हाट नंबर, ग्रेट, एंड डेस्टिनी नंबर 2, ठीक है, ग्रेट। 2 नंबर वाले कैसे होते हैं, 2 नंबर वाले बहुत इमोशनल होते हैं, से बात करते हैं। नहीं नहीं, डेस्टिनी की, सॉरी, हम पहले बर्थ नंबर की बात करें, वेरी सॉरी। बर्थ नंबर 2 जो होते हैं ये बहुत इमोशनल होते हैं, उनका कोर नेचर क्या होता है, इमोशन। बर्थ नंबर 2 ये बिलोंग करता है चंद्रमा को, मून एनर्जी होता है, मून कैसा होता है, 15 दिन घटता है, 15 दिन बढ़ता है। सिमिलरली इनके इमोशंस होते हैं, हां, इनके मूड स्विंग्स होते हैं। इवन आई बिलोंग्स टू नंबर 2, सो क्या आर यू ट्राइंग टू से दे आर लुनेटिक? ऐसा नहीं है, क्योंकि वो लोग इमोशनल होते हैं ना, तो कई बार ऐसा होता है कि जिस चीज पे वो बहुत ज्यादा केयरिंग हो जाते हैं, कई बार आप ओवर केयरिंग हो जाते हो, अगर आपका बर्थ एंड डेस्टिनी दोनों 2 है, दोनों 2 है, ओवर केयर नेचर क्या होता है, शुरुआत में आपके पार्टनर को बहुत अच्छा लगेगा कि यार कितना केयरिंग है, कितना ये, लेकिन सामने वाला आपको ग्रांटेड ले लेगा। फिर क्या होगा, अभी ग्रांटेड ले लिया, आपको पसंद नहीं आ रहा है, पसंद नहीं आ रहा है, आप सह रहे हो, शांत रह रहे हो, फिर क्या होता है, एकदम से ब्लास्ट होता है, ठीक है। और सामने वाले को इतना केयरिंग नेचर, एक टाइम पे आपके पार्टनर को क्या होगा, बर्डन लगने लगेगा, यार क्या इतना इमोशनल क्यों हो रहे हैं, चीजों को प्रैक्टिकली लो, क्योंकि 2 नंबर वाले प्रैक्टिकल नहीं होते हैं, वो इमोशनल ज्यादा होते हैं अगर बर्थ नंबर 2 है तो। तो हमारे लिए क्या जरूरी है, इमोशंस पे काम करना। इमोशंस पे हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, डेली अगर हम 10 मिनट मेडिटेशन और 2 मिनट प्राणायाम को दें तो आप अपने इमोशंस पे काम कर सकते हो। उसके अलावा 2 नंबर वालों के लिए बहुत जरूरी है कि वो जितना पानी पी सकते हैं पी,
क्योंकि पानी जितना ज्यादा पिए, क्योंकि उनकी बॉडी क्या होती है, जल्दी हाइड्रेट डिहाइड्रेट हो जाती है. मून एनर्जी है, मून बिलोंग्स टू वाटर, H2O, पानी ऑक्सीजन देता है. जितना ज्यादा आप पानी पिएंगे, और बाय डिफॉल्ट क्या होता है, दो नंबर वाले काम पानी कम पीते हैं, जिसकी वजह से स्ट्रेस में ज्यादा रहते हैं. ज्यादातर एंजाइटी वाले लोग दो नंबर वाले होते हैं, ज्यादातर डिप्रेशन वाले लोग दो नंबर वाले होते हैं, ज्यादातर सुसाइड कमिट करने वाले दो नंबर वाले होते हैं, क्योंकि दो नंबर वाले बहुत ही ज्यादा इमोशनल होते हैं. आपको इम्पोर्टेंट है अपने इमोशंस पे काम करना. सुसाइड थॉट आते हैं, भले सुसाइड कमिट ना करते पाए, लेकिन कभी ना कभी दो नंबर वालों ने अगर उन्हें ध्यान नहीं दिया हो, सुसाइडल थॉट आए होंगे, उन्हें मन नहीं करता है, जीने की इच्छा खत्म हो जाती है. आपने सिर्फ क्या करना है, मेडिटेशन 10 मिनट, 2 मिनट प्राणायाम, एंड हर आधे घंटे में थोड़ा पानी पीना है. पानी बॉटल से नहीं, ग्लास से पीना है, एक एक सिप करके पीना है. ये क्या करेंगे, ये आपके इमोशंस को बैलेंस करेंगे, और जब इमोशंस बैलेंस होंगे आप बहुत ही थॉटफुल होंगे. इंसान अगर इस चीज़ को बैलेंस कर लेगा ना, बहुत ही क्रिएटिव रहेगा. दो नंबर वाले लोग बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं. अमिताभ बच्चन 2 नंबर, कपिल शर्मा 2 नंबर, शाहरुख खान 2 नंबर, उन्होंने अपने नंबर को, एंड दे ऑल आर इन टू क्रिएटिव फील्ड. दो नंबर ना क्रिएटिविटी का होता है. अगर आप अपने इमोशंस को बैलेंस कर लोगे, आपसे अच्छा क्रिएटिव कोई नहीं है. इवेंट मैनेजमेंट बहुत अच्छे से, इवेंट को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं. दो नंबर वालों को तो अपने इमोशंस पे, लेकिन मेहनत करो, काम करो आप, है ना. इमोशंस पे काम किया तो आपकी सक्सेस को कोई नहीं रोक सकता. एंड सिंपली क्या करना है, इतना सा मेडिटेशन करना है, स्ट्रेस फ्री रहना है. दो नंबर वालों की ना एक और चीज होती है, पहले ये किसी भी नेगेटिव चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं. जैसे अगर किसी ने इनको दबाया, दबाया इन द सेंस कि गुस्सा करना, चिल्लाना, एक बार सुन लेंगे बुरा लगेगा, शांत रहेंगे, दो बार सुन लेंगे, तीन बार सुन लेंगे, लेकिन उसके बाद में क्या होता है, इनको फिर बुरा लगता है, क्योंकि फिर ये बोल नहीं पाते, बात मन में ज्यादा रखते हैं. इसलिए ज्यादातर थायराइड दो नंबर वालों को होता है, PCOD दो नंबर वालों को होता है. क्यों, क्योंकि वो बात मन में रखते हैं. जो भी इंसान अपने बात मन में रखता है, उनका ये थायराइड ग्लैंड वीक हो जाता है. ज़्यादातर हेल्थ इश्यूज फीमेल्स को होती है. फीमेल फेमिनाइन एनर्जी, अगेन मदरली नेचर मून का होता है, तो फीमेल एनर्जी के अलावा वो फीमेल दो नंबर है, या मेल भी दो नंबर है, तो वो क्या है, बहुत इमोशनल. नाउ अगर किसी का डेस्टिनी नंबर 2 है, सो जब दो नंबर हमारी डेस्टिनी को रूल कर रहा है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, कोई भी डिसीजन इमोशन में नहीं लेना है, वरना फेलियर होगा. दो नंबर जिनकी डेस्टिनी होती है, वो लाइफ में इसीलिए सक्सेस नहीं पा पाते हैं, क्योंकि वो हर डिसीजन इमोशंस में आके लेते हैं. अगर उस इमोशंस पे वो कंट्रोल कर ले, तो उनसे बेस्ट डिसीजन कोई नहीं ले सकता, राइट. So you belongs to 2 number destiny. So आपके लिए बहुत important है. Yes ma'am. दो number. आपकी भी नहीं पानी ले. तो कोई भी किसी में emotion में नहीं लेना है. Right. आपको लगे एक दिन का time लो, दो दिन का time लो. Work on your emotions. Practicality से सोचो. क्योंकि ये emotional decision आपको, वो marriage related decision हो, वो career related decision हो, वो कोई प्रोजेक्ट रिलेटेड डिसीजन हो, इमोशनल डिसीजन आपको सिर्फ नीचे लेके जाते हैं. एक और चीज बताती हूँ दो नंबर वालों की. अच्छा, एक चीज सबसे पहले इम्पोर्टेंट है, कोई भी, ये दोनों नंबर हमारे इसमें मैटर करते हैं, बर्थ एंड डेस्टिनी नंबर, राइट. सो दो नंबर जिनका बर्थ नंबर है, कोर नंबर है, उनके लिए इम्पोर्टेंट है अपने इंट्यूशन को मानना. दो नंबर वाले का इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होता है, लेकिन वही लोग अपने इंट्यूशन पे बिलीव नहीं करते. अगर आपको लगता है कि पानी का ग्लास मैं इधर रख रही हूँ, ये गिर सकता है, तो उसको हटा के साइड कर दो, वरना आप 2 मिनट बाद देखोगे वो सचमुच पानी का ग्लास गिर चुका होगा. सो बिलीव ऑन योर इंट्यूशंस, छोटी चीज हो बड़ी चीज हो. आप कोई काम भी कर रहे हो, अगर आपका फर्स्ट थॉट आता है यार रहने देता हूँ, और बाद में आप अपने मन को समझा लेते हो, नहीं चलो कर लेता हूँ, लॉस. आपने आपके इमोशंस में काम करना है, और आपने अपने इंट्यूशन को फॉलो करना है. इंट्यूशन नहीं मानोगे तो क्या होगा, चिंता. इसीलिए आपकी जो गट फीलिंग है उसको बिंदास मानो. दो नंबर की एक और क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, वो इंसान को देखता है ना, उसकी गट फीलिंग बता देती है इंसान कैसा है.
व्हाट वो इंसान कैसा है, राइट? अभी जिसका डेस्टिनी दो नंबर है, 30 ईयर के बाद आप अपने अंदर सेम चीजें चेंजेस देखो, आफ्टर 30, राइट? आफ्टर 34 और 35 के बाद आपका इंट्यूशन भी स्ट्रांग हो जाएगा, जिनका डेस्टिनी नंबर है। बर्थ नंबर को तो बाय गिफ्ट मिला है ये चीज, बाय बर्थ मिली है ये चीज। डेस्टिनी नंबर वालों की 30 साल के बाद उनके अंदर वो चेंजेस आएंगे, वो चीजों को देखेंगे। इमोशनल्स में ऐसे होते हैं कि शांत रहेंगे फिर एकदम से बस्ट हो जाएंगे, ज्वालामुखी की तरह। आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है? लेट गो करना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ, बर्थ नंबर डेस्टिनी वाला हो या बर्थ नंबर हो, दो नंबर वालों के लिए इम्पोर्टेंट है लेट गो करना। कोई भी चीज मन में नहीं रखना है। अगर कोई चीज बुरी लगती है, किसी ने मुझे अब्यूज किया है, तो आप शांत रह के सुन लेते हो, आपको बुरा लगता है, बाद में सोचते हो यार काश मैंने बोल दिया होता। नाउ चेंज योर नेचर, इमीडिएटली बोलो। फिर इसकी वजह से क्या होता है, लेटर एज में आपको बाद में ऐसा लगता है, कुछ टाइम बाद में इस इंसान से रिलेशन नहीं रखना, और आप एकदम शांत हो जाते हो, इग्नोर करने लगते हो। पहले ही ना बोलना सीख लो, दबना नहीं है, राइट? आपके बॉस हो, आपके टीचर हो, कोई भी नहीं। हाँ जी, बोलना सीख लो सभी के लिए, नेचर इज इट। सो दिस इज द थिंग मैम, इसीलिए आपको बता रहे हैं, नाउ इट्स टाइम टू चेंज दोस थिंग, के नेचर को चेंज करने नहीं। सी, नथिंग इज इजी, और इजीली कुछ मिलता भी नहीं है ना, जो इजीली मिला है वो टिका नहीं है, राइट? यही तो चैलेंज है। हम लोग उस वे में फ्लो करते जा रहे हैं, हमें लगता है कि चलो जो नसीब है कर लिया, ऐसा नहीं है, चेंज हमारे हाथ में है, राइट? सो अगर ये चीज हमें मिली है तो चेंज करना इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं अगर बोलूँ मैं दो नंबर हूँ, तो भाई हर कोई आके मुझे सुना के जाएगा, मैं नहीं बोल पाऊंगी, बट आई चेंज माई नेचर। इसीलिए अपने नेचर को भी चेंज किया, सबसे पहले मैंने अपने ऊपर काम किया, और मुझे लगता है कि मैं कर पाई, बिकॉज एक टाइम था कि मैं डिप्रेशन में थी, आई केम आउट ऑफ डिप्रेशन, सुसाइडल थॉट आते थे, मेरे साथ ऐसा हुआ था। उसके बाद अपने आप को जानने के लिए मैं इस फील्ड में आई, एंड उसके बाद मुझे समझ आया कि मैं क्या कर रही हूँ अपनी लाइफ के साथ। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट जो मैंने चेंज किया वो अपने नेचर में चेंज किया, लेकिन आज मैं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हूँ, हर चीज़ बहुत ही प्रैक्टिकल से लेती हूँ, विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर। सो जो फेब्रुअरी बॉर्न पीपल हैं उनके साथ क्या होता है? They are born on the second month of the year. देखिए, आपका जो बर्थ नंबर डेस्टिनी नंबर है वो पोअर नेचर है, लेकिन आपके डेट ऑफ बर्थ में जितने नंबर होते हैं उनसे आपको थोड़ा तो चीजें मिलती हैं। तो फेब्रुअरी वाले इमोशनल होते हैं, लेकिन उतने नहीं होते हैं। उन लोगों को पता होता है कि हाँ इमोशंस कहाँ यूज करने हैं, राइट? क्योंकि उनको पता है हाउ टू, अगर हाँ फेब्रुअरी के साथ उनका बर्थ नंबर भी 2 हो गया, डेस्टिनी नंबर भी 2 हो गया, तो गड़बड़ हो गई है ना। सो बर्थ नंबर 3 जो, हाँ जी, पानी सबने बीच बीच में पीना है, हम सबको अपनी एनर्जी मेंटेन करके रखनी है। आप पिला रहे हैं हमको। यस, दो नंबर वालों को बिल्कुल। अच्छा, अभी आते हैं बर्थ नंबर 3 पर। बर्थ नंबर 3 रूल करता है जुपिटर। जुपिटर प्लैनेट कौन है? जुपिटर प्लैनेट देव गुरु। तो अगर 1 नंबर की हम बात करें, 1 नंबर अगर राजा है, देश पे शासन करना चाहता है, तो 2 नंबर क्वीन है, मदरली टच है, सबके लिए भलाई के लिए सोचते हैं, इमोशनल है, राइट? 3 नंबर उनके गुरु है, विच इज जुपिटर, जुपिटर प्लैनेट। हाँ जी, तो वो देव गुरु बोलते हैं। देव गुरु क्या करते हैं? लोगों को ज्ञान अच्छा देते हैं, भले खुद के लिए वो फॉलो करें नहीं करें, लेकिन वो बहुत अच्छे एडवाइजर होते हैं। तो 3 नंबर के पास कोई भी इंसान अपनी प्रॉब्लम लेके जाएगा ना, वो आपको बहुत अच्छी एडवाइस देंगे, लेकिन वो खुद अपनी एडवाइस फॉलो नहीं करते, इसलिए लाइफ में ट्रबल आते हैं। और अभी जिनकी डेस्टिनी नंबर 3
सोशलाइजिंग करते हैं, राइट, दोस्तों को कई बार कमिट कर देते हैं अपनी जेब से ज्यादा, बोलते हैं हाँ मैं पार्टी दूंगा, फिर क्या करेंगे क्रेडिट कार्ड यूज, जिसकी वजह से आ जाते हैं डेट। सो थ्री नंबर जिनका डेस्टिनी है, डू नॉट ओवरकम, अदरवाइज आपको कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। हाँ, और तीन नंबर जिनका वर्थ नंबर है, वो दूसरों को एडवाइस दे लेकिन वो एडवाइस खुद पर भी एप्लीकेबल नहीं कि आप बेस्ट हैं। हमें आपसे बहुत ज्ञान मिलता है, वो ज्ञान आपके लिए भी एप्लीकेबल होगा तो आपके लिए लाइफ एकदम परफेक्ट। तीन नंबर वालों के लिए क्या चीज अच्छी है, क्योंकि अगेन हमारा जुपिटर प्लैनेट है, जुपिटर को हिंदी में बोलते हैं बृहस्पति। तीन नंबर वालों के लिए बहुत ज्यादा एडवाइस है, जैसे जैसे ये बढ़ते हैं ना, जबकि एज बढ़ती है, इनका चेस्ट ब्रॉड होता जाता है, टम्मी निकलता जाता है, इनके लिए इम्पोर्टेंट है हेल्थ पे बहुत ज्यादा ध्यान रखें, क्योंकि जैसे जैसे आप वेट पुट ऑन करेंगे आप सक्सेस पाएंगे, लेकिन आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि उस वेट पे मैनेज करें, नहीं तो पैसा आएगा और हेल्थ में चला जाएगा, इसीलिए वेट मैनेज करना बहुत जरूरी है तीन नंबर वालों के लिए, क्योंकि बृहस्पति जी सबसे हेल्दी ग्रह है, सबसे हेल्दी, लेकिन नॉलेजेबल बहुत है। और तीन नंबर वालों के लिए जिनका बर्थ नंबर है, उनको एक और एडवाइस है, अपनी लाइफ में कभी भी लर्निंग को खत्म मत कीजिए, आपके लिए इम्पोर्टेंट है कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए, अगर आप वो सीखते रहेंगे आप अपने करियर में बहुत ज्यादा चैलेंजेस को कम कर देंगे, ऑब्स्टेकल रिड्यूस हो जाएंगे, क्योंकि आपका नंबर आपसे कह रहा है कि नॉलेज का नंबर है, विजडम का नंबर है, सो यू नीड टू लर्न, जितना लर्न करेंगे उतना आपको उससे बेनिफिट मिलेगा। और डबल थ्री हो तो डबल थ्री, दोनों थ्री तो दोनों चीजें होंगी, आपको दोनों का ध्यान रखना है, दोस्तों के लिए शो ऑफ या लोगों के लिए नहीं करना है कि हम एक्स्ट्रा खर्चा कर रहे हैं, राइट, सब चीजें देखनी है, पॉकेट भी देखना है, हर चीज देखनी है, नॉलेजेबल है क्योंकि तीन नंबर है, उस ज्ञान को आपने लोगों की भलाई करनी है, उनको एडवाइस देनी है, लेकिन अपनी लर्निंग स्टॉप नहीं करनी है, जिस वक्त भी आपने अपनी लर्निंग स्टॉप कर दी उस वक्त आप देखेंगे आपके करियर में अप डाउन, आपकी लाइफ में अप डाउन आने लगा एट एनी एज, इसीलिए यू शुड लर्न, यू शुड एक्सप्लोर दिस वर्ल्ड, ग्रीनरी अच्छी लगती है ना, तो आपने क्या करना है, अगर आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है तो आप माउंटेन में जाइए या फिर गार्डन में जाइए, वहाँ बैठिए, वहाँ साधना कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, एंड अपनी लाइफ में एक छोटी लर्निंग रखिए। तीन नंबर वालों के लिए बर्थ एंड डेस्टिनी दोनों वालों के लिए एडवाइजेबल है, लर्निंग कभी भी स्टॉप नहीं करनी, एंड कुछ भी एजुकेटिव आपको जिस पे इंटरेस्ट हो, बर्थ में इंटरेस्ट है बर्थ के बारे में जानिए। यस सर, मैं और डॉक्टर इज डबल थ्री इन यूएस, ऑलवेज लर्निंग एंड एडवाइस, राइट, लर्निंग अगर आपकी अच्छी रहेगी यू कैन लीड, यू कैन इवन लीड द वर्ल्ड, अगर आपने लर्निंग पे फोकस किया बहुत आगे जाता है इंसान, जो तीन नंबर। She has become top lady of construction in US. Oh, okay. Signing with. So तीन नंबर वाला, ठीक है? Destiny number three, please ध्यान रखिएगा। Unnecessary expenses नहीं करने हैं, expense करने हैं तो knowledge में, नहीं तो नहीं करने हैं। ठीक है? दोस्त अगर बोले contrary कर लो, लेकिन मैं करता हूँ मेरी तरफ से party. फिर भली बात में बोले शिट यार अब मैंने बोल क्यों दिया, नहीं करना है, कंट्रोल करो यार, सेविंग्स में ध्यान लगाओ। नाउ कम्स टू नंबर फोर, फोर नंबर अगर आपका बर्थ नंबर है, फोर नंबर बिलोंग करता है राहु को, सबको राहु केतु की, अच्छा चलो बहुत लोगों को शायद नहीं पता होगा, राहु और केतु ये दो शेडो प्लैनेट है, सेवन डेज जो हमारे बने हुए हैं, टोटल नाइन प्लैनेट्स हैं, लेकिन जो हमारे वीक में सेवन डे आते हैं मंडे टू संडे, ये उनमें से सेवन प्लैनेट्स हैं, नाइन प्लैनेट्स में से सेवन प्लैनेट्स को डे हमने दिया हुआ है, दो प्लैनेट राहु एंड केतु उनको हम लोग शैडो प्लैनेट बोलते हैं। तो शैडो प्लैनेट, पहले आपको एक स्टोरी बताती हूँ, जब समुद्र मंथन हुआ था तो समुद्र मंथन में जब अमृत सबको मिल रहा था तो पहले ये हुआ कि झगड़ा होने लगा कि देव अमृत पियेंगे कि दानव अमृत पियेंगे, तो इस झगड़े को सॉर्ट करने के लिए हरि जी ने, श्री हरि ने एक बहुत ही मोहिनी का अवतार लिया जो सबसे सुंदर लेडी थी, मोहिनी को देखते ही कोई भी ऐसे आकर्षित हो जाता कि उसकी बात मान लेता, तो उन्होंने देवताओं को बोला आप पहले अमृत पियो, दानव आपके बाद अमृत पियेंगे,
उनकी सुंदरता से इंप्रेस होकर दानव ने बोला हाँ हिम को करने तो फिर हम करेंगे राइट। लेकिन एक उसमें से दानव ऐसा था जिसको लगा, जो बहुत ही शाना था, शातिर था, उसको लगा कि यार अगर ये लोग सब अमृत पी जाएंगे तो हमें कैसे मिलेगा कुछ भी। तो उन्होंने क्या किया, एक और एक देव का वेश लिया। देव का वेश लेके वो देव की लाइन में लग गए कि अब मुझे अमृत मिल जाएगा। अभी शिव जी ने उन्हें पकड़ लिया, शिव जी ने उनको डाउट हुआ कि ये तो गलत कर रहा है, उन्होंने उसका सिर काट दिया। जो सिर है वो गया राक्षसों के पास और जो धड़ है वो रह गया देवताओं के पास। तो सात नंबर वाले की जो ये हुई यानी केतु की जो परवरिश हुई है वो देवताओं के यहाँ पर हुई है जिसका सिर नहीं है, और राहु का सिर धड़ है यानी ओनली ये अपर है ना, उनकी जो परवरिश हुई वो कहाँ हुई, वो हुई दानवों के बीच। इसलिए राहु बहुत इंटेलिजेंट है लेकिन बहुत खुरापाती है, दिमाग में बहुत ज्यादा थॉट्स आते रहते हैं उनका, क्योंकि नीचे का धड़ नहीं है तो उनको सांप का वेश दिया गया राइट। सो अगर आप राहु जी को देखोगे सिर्फ फेस उनका इतना है, बाकी की नीचे की बॉडी सांप की है। और केतु जी को अगर आप देखते हो तो उनका जो सिर है वो नाक का है एंड बाकी की बॉडी जो है वो सांप की है। इसीलिए जब हम बात करते हैं किसी को काल सर्प दोष है, बात करते हैं वो क्या होता है, अगर आप आपकी कुंडली में देखोगे कि राहु और केतु की तरफ ही यानी एक तरफ ही अगर सारे ग्रह आ गए हैं, दूसरी तरफ खाली है, तो उस इंसान को काल सर्प दोष है। उस दोष के लिए हम शिव जी को पूजा करते हैं, इसलिए शिव जी ने नाग अपने कंठ में धारण किया। सबसे पहले उन्होंने विष धारण किया ताकि लोगों को, देवताओं को अमृत मिले। उसके बाद उन्होंने उस नाग को धारण किया कि क्यों, क्योंकि उनसे भी अगर हमें प्रॉब्लम से छुटकारा चाहिए तो हमें शिव जी की नासिक में जाकर पूजा कराते हैं, शिव जी के जो भी उसमें होते हैं हम पूजा कराते हैं, तो वो काल सर्प दोष लेकर आते हैं। अभी हम डायरेक्टली पॉइंट पर आते हैं, एक स्टोरी थी, स्टोरी मतलब रियल स्टोरी। चार नंबर वाले क्योंकि सिर्फ ऊपर का हेड है इसलिए उनका दिमाग बहुत चलता है। अगर मैं बोलूं कि सबसे ज्यादा दिमाग, सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट चार नंबर वाले होते हैं तो बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन वो अपने दिमाग को पॉजिटिव चीज पे ले जाएंगे, नेगेटिव चीज पे ले जाएंगे उनके हाथ में। हाँ अगर आप बोलो ब्लास्ट अच्छे से कर सकते हैं चार नंबर वाले, दुनिया को एजुकेशन बहुत अच्छी दे सकते हैं चार नंबर वाले, तो अपनी पर्सनालिटी को वो कैसे डील करते हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट। ये जो चार नंबर वाले होते हैं जिसके साथ रहते हैं उनके गुण अपना लेते हैं। तो पेरेंट्स के लिए क्या जरूरी है, बच्चे के सामने झगड़ा नहीं करना है, बच्चा वही सीखेगा वही दुनिया में करेगा। तो आपने पॉजिटिव एनवायरमेंट रखना है, बहुत एक्टिव होते हैं ये लोग बच्चे, भले आपको लगे कि हाँ अभी पढ़ नहीं रहे हैं, पढ़ नहीं कर रहे हैं, जब देखो खेलता रहता है ये बच्चा। चार नंबर वाले ज्यादातर बच्चे बचपन में पढ़ने में मन नहीं लगता है, खेलने में ज्यादा मन लगता है, इसलिए वो कई बार हाइपर एक्टिव होते हैं। हाँ लेकिन क्या करना है हमें, आप जैसे जैसे उनकी एज बढ़ेगी आप देखोगे कि उनका दिमाग बहुत तेज है, दे आर वेरी मच नॉलेजेबल। उनके लिए इम्पोर्टेंट है कि उनकी संगति, दोस्तों की संगति, किसी की भी संगति हो वो अच्छी रखे। वो अच्छी संगति रखेंगे तो लाइफ में ऊपर जाएंगे, बुरी संगति होगी तो लाइफ में डाउनफॉल आएगा उनके। चार नंबर वाले क्योंकि सिर्फ सिर है इसलिए जो उनको प्रॉब्लम्स होती है वो यहाँ से यहाँ तक ही होती है। कानों में दर्द, आंखों में दर्द, हेडेक, ये सब ज्यादातर होता है चार नंबर वालों को या जिनका राहु वीक होता है। एब्सोल्युटली राइट, एग्जैक्टली। तो ये सब होता है जब आपका राहु वीक होता है या चार नंबर वाले होते हैं। और उनके लिए लेकिन ये नंबर बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा नंबर क्यों है, क्योंकि इंटेलिजेंट है, सिर्फ दिमाग है ना, सिर्फ दिमाग है तो कितना इंटेलिजेंस है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है हम उस इंटेलिजेंस को कहाँ लेके जाते हैं, डिजिटल वर्ल्ड। डिजिटल वर्ल्ड क्या है, ये राहु को राइट, दिस इज आवर राहु। घड़ी, घड़ी हमारा वीनस है क्योंकि लग्जरी है, लेकिन घड़ी के अंदर जो टाइम चलता है ना ये हमारा राहु है। राहु जिसका बहुत अच्छा होता है वो इंसान की किस्मत बहुत अच्छी होती है। किस्मत सिर्फ राहु ही अच्छी कर सकता है, आपका लक फैक्टर किसी का अच्छा है तो मतलब राहु बहुत अच्छा है। वो इंसान गैम्बलिंग में, शेयर मार्केट में, सट्टे में भी पैसा लगाएगा, जीत जाएगा, इतना पावरफुल है राहु का नंबर। उनको पहले बोलो कि भाई अपना राहु अच्छा रखे, राहु कैसे अच्छा रखेंगे, मेडिटेशन करना है, अच्छी संगति फॉलो करनी है हमने कि आपका सर्कल अच्छा होना चाहिए,
मेडिटेशन और उसके साथ चार नंबर वाले कौन है? थोड़ी आएगा मेरी बिटिया है वॉशरूम्स हैं उनको भी आपको क्लीन रखेंगे तो चार नंबर आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। राहु आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। डिजिटल मार्केट में अगर आप किसी को अच्छा ग्रो करना है अपने राहु को अच्छा कीजिए, राइट? सक्सेस पाएंगे डिजिटल मार्केटिंग में भी बहुत आगे जाएंगे। ये डिजिटल वर्ल्ड इज ऑल राहु, राहु से गवर्न होता है। सी, अब किसी का डेस्टिनी नंबर चार तो उसने क्या करना है? उसने वो सारी चीजें, डिजिटल मार्केटिंग का कोई भी काम उसके लिए अच्छा है, ठीक है? क्योंकि अभी जो चार नंबर बर्थ होता है वो हमारा नेचर होता है, दिमाग है, खुरापाती है। ये बर्थ नंबर बताता है खुरापाती दिमाग है, पॉजिटिव सेंस में लेके जाओ फायदा, नेगेटिव सेंस में लेके जाओ तो आपको जो चीज अच्छी लग रही है आप कर रहे हो आपको तो वहां पर भी फायदा मिलेगा भले वो दुनिया को थोड़ा हार्म हो जाए। इसीलिए आपने बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। डेस्टिनी वाले चार डिजिटल मार्केटिंग का काम बहुत अच्छा है उनके लिए, लेकिन अगेन राहु को मेंटेन करना है। कोई भी डिसीजन लेना है तो दिमाग से सोच के लेना, इमीडिएट डिसीजन मत लो, सोच के डिसीजन लो, क्योंकि राहु बहुत ज्यादा थॉट्स देता है, पॉजिटिव नेगेटिव सारे थॉट्स एक साथ दे देता है। दिमाग 24 घंटे चलता है। जिनका डेस्टिनी नंबर 4 है, आपका 4 है? अच्छा, आप किसी को जानते हो उनका? okay. डबल 4 हो, मेरा 4 डबल 4 डबल 4 है तो दोनों क्वालिटी है ना, बचपन से तो वो नेचर है ही। और इंसान मतलब अगर डबल 4 है तो इंसान ने शुरुआत की लाइफ में थोड़ा स्ट्रगल फील किया हो, क्योंकि चार नंबर वालों का जब बर्थ होते हैं उनकी शुरुआत की लाइफ उतनी बहुत अच्छी नहीं होती है, लेकिन जैसे जैसे वो ग्रो करने लगते हैं ना उनकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाती है, वो खुद से अपनी लाइफ को बैलेंस कर रहे हैं जिसके सेंस में। सो चार नंबर का बर्थ अगर है तो, लेकिन अगर डेस्टिनी है तो बहुत अच्छी है, बेनिफिट ही बेनिफिट है, वो बेनिफिट दे रहा है हमारा राह। सुनाओ, कम टू नेक्स्ट। अच्छा, राहु के लिए एक रेमेडी अब बताती हूँ, वो भी वॉशरूम को क्लीन रखना है, सबने अपने घर के एकदम क्लीन होने चाहिए, प्लांट्स लगा के रखिए वहाँ पे, स्प्रे लगाइए कि वो जो गोदरेज का आता है ना हर आधे घंटे में, राइट, स्प्रे कि वो खुशबूदार रहे, कि आप वॉशरूम में अगर घुसते हैं आपको वाओ फील आए, वो भी राहु अच्छा करता है। राहु के बीज मंत्र, राहु बीज मंत्र ओम राम ब्रीम राम सदा राहवे नमः 108 टाइम अगर नहा के उसको चैंट करें वो भी आपका राहु अच्छा करता है। लग सब कुछ ही है ना, तो ये आपके राहु अच्छा करता है। अभी डॉग को फीड कराना, डॉग इज अगेन राहु, सो वो भी आपके राहु को अच्छा करता है। एनी क्वेश्चन? ओके, सो नाउ कम टू नंबर 5। नंबर 5 वालों के लिए ना, जब ये होते हैं तो बहुत ही आलसी होते हैं, आलस ऐसा भरा पड़ा होता है। लेकिन 5 नंबर वाले अगर अपने आलस पे कंट्रोल करके फोकस ले आए ना, तो उनसे बेस्ट कोई नहीं। सिर्फ वो फोकस लाना है उन्हें, आलस को छोड़ो और फोकस लेकर आओगे तो आप उस रीच पे जाओगे जहां पे कोई भी नहीं पहुंचा है। मार्क जुकरबर्ग, विराट कोहली 5 नंबर। क्यों 5 नंबर पे वो इतने आगे हैं? क्योंकि दे आर फोकस्ड। और फोकस नहीं लाओगे तो जिंदगी भर आलस। 5 नंबर का कोर नेचर है, उस कोर नेचर को रिप्लेस से फोकस से कर सकते हैं। बेड पे पड़े रहना बहुत अच्छा लगता है ना, सुबह उठा ही नहीं जाता है। ये 5 नंबर की क्वालिटी है। लेकिन 5 नंबर पे ना बहुत अच्छे एडवाइजर होते हैं, लोग उनसे एडवाइस लेने आते हैं, अपने आप आते हैं, दोस्त भी उनके पास, मतलब लोगों को उनसे दोस्ती करना बहुत अच्छा लगता है 5 नंबर वालों। लेकिन 5 नंबर वालों को भी ध्यान रखना है कि संगति अच्छी रखें, क्योंकि 5 नंबर वाले लोग ना दोस्तों की ज्यादा सुनते हैं, घर वालों की बिल्कुल नहीं सुनते हैं। दोस्ती सब कुछ है। सो अगर दोस्त अच्छे रखोगे तो सुनो दोस्तों की, लेकिन दोस्त अगर गड़बड़ हुए, चल भाई सिगरेट पीते हैं, चलो मेल फीमेल सबके साथ, राइट? सो इसीलिए दोस्त अच्छे रखो, फिर भले दोस्तों को कॉल करो, एंड आलस छोड़ के फोकस लाओ, लाइफ में सक्सेस आपके लिए ही बेटर। अभी अगर किसी का डेस्टिनी नंबर 5 है, डेस्टिनी नंबर अगर 5
5 है किसी का, तो वो इंसान के लिए कोई भी ना ऐसी फील्ड अच्छी है जहाँ पे उनको बोलना हो, कम्युनिकेशन का काम हो, कम्युनिकेशन उनकी बहुत अच्छी होगी, राइट। कोई भी ऐसा काम उनको दिया जाए जहाँ उनको आगे आके बोलना है, वो बहुत अच्छे से बोलेंगे, क्राउड को गैदर करके रखेंगे बहुत अच्छे से, लोग उनको सुनना पसंद करते हैं, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन उनके पास होता है और ऑटोमेटिकली उनके दिमाग में आ जाता है। आप प्रॉब्लम लेके पहुंचोगे, उनको भी नहीं पता होता कई बार कि यार मैंने कितना अच्छा बता दिया इसे, मैंने क्यों नहीं सोचा इससे पहले, राइट। इतने अच्छे एडवाइजर होते हैं, ये 5 नंबर की क्वालिटी है। 5 नंबर के लिए के दिमाग में अगर डेस्टिनी नंबर या बर्थ नंबर, ये चीज कॉमन है, किसी की भी 5 है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि लाइफ में उनको बिजनेस करने का ख्याल नहीं है। ट्राई तो मारेंगे, भले वो सक्सेस हो नहीं हो वो अलग बात तो ये भी 5 नंबर की क्वालिटी है, लेकिन अगर वो आलस छोड़ के फोकस ले आए तो जो बिजनेस है उसमें सक्सेस पा रहे हैं। सर आप कुछ बोल रहे थे? नहीं। सो सोचो ना, ये नंबर्स हैं जो हमसे ये सारी चीजें करवा रहे हैं, सिर्फ हमें उन नंबर को थोड़ा सा बैलेंस करना है, एंड देखो सक्सेस हमारे पास है, इसीलिए दिक्कत आ रही है क्योंकि हमें पता ही नहीं करना क्या है। नाउ 6 नंबर की बात करते हैं। 6 नंबर किसका नंबर है? अगेन देव गुरु आपका है, ओके। ये भी देव गुरु शुक्राचार्य का, सॉरी दानव गुरु शुक्राचार्य का नंबर, दानव गुरु, राइट। गुरु दोनों है, 3 नंबर भी और 6 नंबर भी। गुरु बहुत नॉलेजेबल होता है, बहुत विजडम होता है, बस ये डिफरेंस है कि एक देव गुरु है 3 नंबर जुपिटर, एक दानव गुरु है 6 नंबर वीनस। देव और दानव गुरु ना लाइफ में कभी ना कभी एक दूसरे को अट्रैक्ट तो बहुत करते हैं। एक बार 3 और 6 नंबर की बात करो, आपका अट्रैक्शन 3 वालों का 6 पर, 6 वालों का 3 में, लाइफ में एक बार तो आए हो। लेकिन क्योंकि ऑफकोर्स 36 का आंकड़ा है, क्योंकि दोनों गुरु है, दोनों नॉलेजेबल है, लेकिन एक देव और दानव तो बनती नहीं, तो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, लॉन्ग टर्म बिजनेस दोनों एक दूसरे के साथ नहीं कर पाते, झगड़ा होता है लास्ट में, एंड सेपरेशन तक की नौबत आती है, या बिजनेस में पार्टनरशिप है तो अलग होने की नौबत आती है, राइट। तो 3 और 6 दोस्त बन के अच्छे से रहो, लेकिन अगर आप सोचो इनके साथ मैं बिजनेस या पर्सनल पार्टनरशिप करूं, वो नहीं चल पाएगा, क्योंकि दोनों अपने हिसाब से चलना चाहते हैं, दोनों ही नॉलेजेबल हैं, लेकिन दोनों का अगेन 36 का आंकड़ा, कैसे लॉन्ग टर्म में रहेंगे? अगर हो गया है सी मैरिज हो गया है तो भी पता है ये है, तो समझ के चलो, ओके यस ये करना है, एग्जैक्टली इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं। अगर चाहते हैं कि मैरिज हमारी चलो, सॉरी बोल करो, सोच के लो कि नहीं ठीक है अभी कोई ऑप्शन नहीं है तो सॉरी बोल दो, वेरी ट्रू सर। लेकिन 6 नंबर वालों को लग्जरी का बहुत शौक होता है, लग्जरी का सबका शौक है, इसलिए सब अपने वीनस को अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन 6 नंबर वालों को लग्जरी का शौक होता है, उनको अच्छे अलग अलग टाइप की घड़ियों का शौक होता है, राइट। उनको घड़ी पहनना अच्छा लगता है, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में भी 6 मिसिंग है तो वो इंसान को फोर्स करना पड़ता है घड़ी पहन लो, वो इंसान नहीं। हाँ अगर आपके नाम नेम नंबर से 6 आ रहा होगा तो वो इंसान पहनेगा, लेकिन 6 मिसिंग है तो लाइफ में लग्जरी की चाहत है, लेकिन लग्जरी गेन नहीं कर पा रहे, 6 मिसिंग है। और सबसे बेस्ट आपको लाइफ में लग्जरी अगर अट्रैक्ट करनी हो तो एक अच्छी वॉच पहनना इंपॉर्टेंट है, वीनस को भी अच्छा करना, एक अच्छी वॉच पहनना, मिनिमम 8 से 10 घंटा पहनो सब। इन लोगों को बहुत शौक होते हैं एकदम अच्छे से बनते जाते हैं, ऐसे नहीं जाते, राइट। सो वीनस वाले अपने लुक पे बहुत ध्यान रखते हैं कि मैं अच्छा दिखना चाहती हूँ, अपनी फैमिली ओरिएंटेड, हाँ ये लोग कोशिश करते हैं कि मेरी फैमिली ये रहे जो काम करे, मेल हो फीमेल हो, इनके लिए प्रायोरिटी, जैसे 5 नंबर वालों के लिए दोस्त प्रायोरिटी होते हैं, 6 नंबर वालों के लिए फैमिली, भले फैमिली में मनमुटाव रहे, लड़ाई झगड़ा रहे, लेकिन तकलीफ होती है तो अपनी फैमिली का साथ 6 नंबर वाला बिल्कुल देता है। ये अपने घर वालों के हर डिसीजन में इन्वॉल्वमेंट चाहते हैं, जिसकी वजह से कई बार हाँ झगड़े होने के भी चांसेस होते हैं क्योंकि ये चाहते हैं कि मुझे सब पता होगा तो मैं सामने वाले को अच्छे से गाइड करूंगा फैमिली की, तो बहुत ही फैमिली ओरिएंटेड होते हैं, फैमिली के लिए बहुत ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नाउ अगर आपका डेस्टिनी नंबर 6 है तो डेस्टिनी नंबर 6 है ना, तो कई बार इंसान की चाहते बहुत बड़ी होती है, जिनका डेस्टिनी नंबर 6 है, बर्थ डेस्टिनी दोनों 6 है तो अलग है, मैं तो भी ये है, और अदरवाइज डेस्टिनी नंबर किसी का 6 है, हाँ, तो लाइफ में ख्वाहिशें बहुत बड़ी है,
अभी दिक्कत क्या आ रही है? दिक्कत ये आ रही है कि वहां तक पहुंचे कैसे? छह नंबर हमारी ख्वाहिशों को बढ़ाता है, हमारी चाहते बहुत बड़ी होती है, हमारे डिजायर्स, हमारे गोल्स बहुत बड़े होते हैं, लेकिन हम स्टक हो जाते हैं क्योंकि हमें पता ही नहीं है हाउ टू अचीव दैट, राइट? तो सबसे पहले तो घड़ी पहनना चालू करो। सबसे पहले टाइम, घड़ी का टाइम आगे और पीछे नहीं होना चाहिए, एग्जैक्ट टाइम पे होना चाहिए। जिन जिन की घर की घड़ियां हो या हाथ की घड़ियां हो, टाइम पीछे रहता है, उनका इन्वेस्टमेंट फंसता है, हेल्थ इश्यूज आते हैं, घड़ी अगर पीछे चलती है बार 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 बार, राइट? हेल्थ इश्यूज आते हैं, पैसा फंसता है। यही बहुत लोग घड़ी आगे करके रखते हैं, 5 मिनट आगे कर लेते हैं। माइंड को प्रोग्राम करो कि यही समय है, सही उसी पर ही एग्जैक्ट टाइम पे घड़ी बनाओ, लगाओ, घड़ी का टाइम सेट करो। 5 मिनट अगर आपने आगे रखी है तो आपकी लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिस होती है। आप देखो तो घड़ी का टाइम एग्जैक्ट होना चाहिए। आगे होगी तो अपॉर्चुनिटी मिस करोगे, पीछे होगी तो हेल्थ इश्यूज आएंगे या फिर फाइनेंशियल लॉस होगा, पैसा अटकेगा। एग्जैक्ट टाइम इंपॉर्टेंट है, ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है एग्जैक्ट टाइम। घड़ी भी सबने पहननी चाहिए, वीनस अच्छा करना है तो, राइट? लेकिन वीनस आपको ना कई बार ऐसा होता है, डिपेंड करता है, अगर वीनस खराब है किसी का तो वो जिसका डेस्टिनी नंबर 6 है एंड वीनस खराब है, मैलेफिक बिकॉज ऑफ सम प्लैनेटरी इफेक्ट, वो इंसान को ग्रीडी बनाता है। एंड ग्रीडीनेस में इंसान कई बार वो काम भी कर लेता है जो उसे नहीं करना चाहिए क्योंकि पैसा चाहिए, राइट? तो हमें हमारे डिजायर्स को फुलफिल करना है, लेकिन नॉलेज के थ्रू करना है। कोई लग्जरी प्रोडक्ट का काम कर सकते हो, 6 नंबर जिनकी डेस्टिनी है, मैं तो बोलती हूँ उन्हें मार्जिन रखकर काम करना चाहिए। कम मार्जिन में काम करोगे बिजनेस नहीं चलेगा। फैशन इंडस्ट्री में इज वेरी गुड, राइट? वेरी गुड, एक्चुअली फैशन इंडस्ट्री इज वेरी गुड। आप मार्जिन रख के काम करो, आप लो मार्जिन में काम करोगे ना आपका बिजनेस नहीं चलेगा। आपने मार्जिन रखना पड़ेगा तभी आपका बिजनेस चलेगा। ये अगर आपका डेस्टिनी 6 है वो ये बोलता है लो मार्जिन काम आप नहीं कर सकते हो, आपका बिजनेस बंद हो जाएगा। 4 नंबर वाले को बिजनेस पार्टनर बना के धंधा किया, देखो तो सामने वाले के इफेक्ट आपके अंदर आएंगे। पहले ये देखो कि सामने वाला अगर 4 नंबर है तो क्या उसका प्लैनेट बराबर है? वैसे 4 और 6 का कॉम्बिनेशन अच्छा है, सीरियसली 4-6 का, लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि कॉम्बिनेशन अच्छा है लेकिन सामने वाला अपने नंबर्स के हिसाब से नहीं चल रहा है, तो उसके नंबर्स की वजह से हमारा बिजनेस भी लॉस हो सकता है जो शायद आपको अकेले में प्रॉफिट दे जाता है। तो हर चीज पर्सनालिटी सबकी देखनी है फिर करना है। तो ठीक है, सो अभी 6 नंबर से आगे तो घड़ी सबने पहननी है, हाँ, मिनिमम 8 से 10 घंटा। सो नाउ नेक्स्ट इज 7 नंबर, 7 नंबर केतु। हाँ जी सर, 7 नंबर, ओके, 7 नंबर केतु, राहु केतु की अभी मैंने स्टोरी सुनाई थी। सिर है हमारा राहु, रेस्ट ऑफ बॉडी है हमारी केतु। क्योंकि सिर से नीचे है इसीलिए दिखता नहीं है, तो सारी चीजें इंट्यूशन पर है। 7 नंबर क्योंकि कंप्लीट नहीं है ना, इसीलिए उसकी लाइफ में कोई एक चीज में उसे हमेशा ना प्रॉब्लम होती है। तीन चीजें क्या होती है? हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर। किसी एक चीज में उसको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, या तो करियर और रिलेशनशिप अच्छा है तो हेल्थ इश्यूज फेस कर रहा होगा, 7 नंबर बर्थ, और अगर करियर और हेल्थ अच्छी है तो रिलेशनशिप इश्यूज फेस कर रहा होगा। तो 7 नंबर आपको कंप्लीटनेस नहीं दे पाता, किसी एक सेक्टर लैक हो जाता है। लेकिन जब हमें पता है कि कोई एक सेक्टर में लैक हो सकता है, जब हमें एक्चुअली पता है तो हमें काम करना चाहिए। आपने क्या काम करना है? फिट रहना जरूरी है ताकि हेल्थ में दिक्कत ना आए। खाने पीने का अच्छा डाइट करना जरूरी है, फास्ट फूड को अवॉइड करना है। हाँ, रिलेशनशिप की अगर हम बात करें तो रिलेशनशिप में भी आप समझ के चलिए, अंडरस्टैंडिंग इज मोर इम्पोर्टेंट। एंड करियर में तो 7 नंबर वाला अच्छा कर लेता है। हाँ, सो ये तीनों चीजों को बैलेंस करना कई बार मुश्किल हो जाता है क्योंकि एक चीज लैक होती है वो इंसान के, लेकिन बाकी की 2 चीजें बहुत अच्छी कर लेता है। 7 नंबर जिसका बर्थ नंबर, इनका इंट्यूशन 2 नंबर से ज्यादा स्ट्रांग होता है। इनके अंदर वो पावर होती है, वो जो सोचते हैं वो मैनिफेस्ट हो जाता है। और सबसे ज्यादा नेगेटिव 7 नंबर वाले सोचते हैं, इसलिए सबसे ज्यादा लाइफ में नेगेटिविटी 7 नंबर वाले के होती है। 7 नंबर वालों को आप सोचो, आपके पास गॉड गिफ्टेड है, आप जो सोचते हो वो मैनिफेस्ट हो जाता है। आप सोच रहे हो कि यार मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए, एक्सीडेंट आपका सीरियसली एक्सीडेंट हो जाएगा।
सो नेगेटिव नहीं सोचना है, अपने माइंड पे काम करना है, बी माइंडफुल. आप जितना पॉजिटिव सोचोगे आप अपनी लाइफ में उतना राइज करोगे. बहुत जरूरी है पॉजिटिव पैटर्न को फॉलो करना. सेवन नंबर वालों के लिए अपने माइंड पे काम करना, फोर्स करना माइंड को, फोर्स करना तो थिंक पॉजिटिव. यस राइट, बहुत हाई मैनिफेस्टेशन होता है. सात नंबर वालों के, सो सिर्फ पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव सोचना है, लाइफ में सिर्फ अच्छा ही होने वाला है, क्योंकि जो सोचोगे वो होने वाला है ना. तो पॉजिटिव ही सोचना, पॉजिटिव हो जाएगा. राइट, अभी जिनका डेस्टिनी नंबर सेवन है, यानी आपकी लाइफ को जो रूल कर रहा है प्लैनेट, वो सेवन नंबर है. तो जिन जिन का डेस्टिनी नंबर सेवन है ना, वो देखेंगे जब भी उनकी लाइफ में सेवन डेट आती है, कुछ तो भी अच्छा होता है, कुछ अटका हुआ, या फिर वो एज होती है जो उनकी सेवन, और सेवन का मल्टीपल वाली जो एज आती है. राइट, सेवन मल्टीपल वाली एज कौन सी होती है? जब आप 7 साल के हो, जिसका टोटल हम बोलते हैं ना सेवन है. जब आप 16 साल के होते हो, 16 साल, मतलब वो मल्टीप्लाई वाला टेबल वाला सेवन नहीं है ना. जब आप 16 साल के होते हो, जब आप 25 साल के होते हो, वो मोमेंट आपकी लाइफ के, वो टाइम आपकी लाइफ का बहुत अच्छा टाइम, उस टाइम को वेस्ट नहीं करना. वो साल आपका बेस्ट साल है, उस साल को भी वेस्ट नहीं करना. तो ये चीज बाकी नंबर्स के साथ लागू नहीं होती है क्या? नहीं, ये बाकी नंबर के साथ उतनी लागू नहीं होती जो सेवन नंबर वालों के होते हैं. शाहरुख खान बीच में फ्लॉप जाने लगा था, उसके बाद उसने पैटर्न चेंज किया. शाहरुख खान इज 2 एंड 7, डेस्टिनी 7 है. अभी जो उसकी मूवी पठान रिलीज हुई 25 तारीख को थी, उसकी वो एक और मूवी आई थी अभी शाहरुख खान की, ज्यादा मूवी नहीं देखती, जवान 7 तारीख को रिलीज की. मतलब ये ना 7 डेट देखकर रिलीज कर रहे हैं. क्यों? शाहरुख खान का नंबर है ना, वो 2 एंड 7 है, डेस्टिनी नंबर 7 है शाहरुख खान का. सो 7 तारीख इनकी लाइफ में मिराकुलस चेंजेस लेकर आती है, इनको सिर्फ बेनिफिट ही देता है. इनका इनके लिए एक और चीज बहुत अच्छी है, इनको किसी ना किसी स्पिरिचुअल एक्टिविटी से कनेक्टेड रहेंगे ना तो भी लाइफ में बहुत अच्छा ग्रो करेंगे. स्पिरिचुअल एक्टिविटी से कनेक्टेड रहेंगे. स्पिरिचुअलिटी मतलब ये नहीं होता है मैं मंदिर जाऊं, मैं पूजा पाठ करूं. राइट, स्पिरिचुअलिटी अगेन मेडिटेशन. हाँ, स्पिरिचुअल होना, मेडिटेशन कीजिए. हाँ, फिर कुछ ऐसी चीजें हैं एडिक्शन, जो इनको इनसे दूर रहना. अगर एडिक्टिव हो गए किसी चीज के, वो सिगरेट हुआ, वो ड्रग्स हुआ, या वो अल्कोहल हुआ, छूटेगी नहीं लाइफ में, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम आएगी. क्योंकि स्पिरिचुअलिटी का नंबर है 7, स्पिरिट का नंबर है 7. राइट, करके चलो. इंट्यूशन का नंबर है, जो सोचोगे वो हो जाएगा, मैनिफेस्टेशन का नंबर.
अभी आठ नंबर की बात करें, ये सारी चीजें अपनी जगह है, लेकिन सबसे शक्तिशाली नंबर जो है, जो पैसे से आपको बहुत ज्यादा धनवान बना सकता है, अमीर को गरीब यानी राजा को रंग, रंग को राजा बना सकता है, वो है शनि का नंबर, विच इज नंबर एट। एट कौन है? एट कौन है? एट नंबर बहुत ही पावरफुल नंबर है, बर्थ नंबर की अभी हम बात कर रहे हैं, बर्थ एंड डेस्टिनी दोनों पर आएंगे हम, राइट। एट नंबर बहुत ज्यादा पावरफुल नंबर है, लेकिन आठ नंबर शनि का नंबर है। शनि सबसे स्लो मूविंग प्लैनेट है, शनि जस्टिस के देवता है, कर्मा के देवता है, वो आपके अंदर का पेशेंस चेक करते हैं, आपके अंदर का हार्डवर्क चेक करते हैं, लेकिन आज के टाइम पे जो हमें चाहिए वो क्या है, सब जल्दी जल्दी हो, इसीलिए हमें शनि को रिजल्ट नहीं देता, क्योंकि शनि क्या बोलता है, पेशेंस रखो, हार्डवर्क करो, मैं तुम्हें दूंगा, और जब दूंगा तो छप्पर छप्पर दूंगा, इतना ज्यादा कोई भी नहीं होता। नरेंद्र मोदी जी की बात की जाए, वो भी नंबर एट है, राइट। जितनी भी आपको गवर्नमेंट अथॉरिटी हाई फील्ड में, हाई प्रोफेशन, हाई लेवल पे देखेंगे, मैक्सिमम एट नंबर के मेहनत कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो पेशेंस रखा, वो मेहनत करना नहीं छोड़ा, इसलिए उनको वो रिजल्ट मिले कि आज वो वहां पर। तो आठ नंबर बहुत पावरफुल नंबर है, बस ये बोलता है पेशेंस आपको शायद लोगों से तीन गुना ज्यादा मेहनत करनी पड़े, लेकिन आपको रिजल्ट उससे दस गुना ज्यादा मिलेगा, इसीलिए पेशेंस रखना, राइट। एंड आठ नंबर वालों के लिए छोटी सी टिप है, ब्लैक कलर आपको बहुत अट्रैक्ट करता है, ब्लैक कलर की घड़ी मत पहनो, हाँ जो, और ब्लैक कलर के कपड़े पहनो बट कम पहनो क्योंकि वो थोड़ा और डिले ले आएगा आपकी लाइफ में, बाकी बहुत ज्यादा पावरफुल है। एक और चीज आठ नंबर के लिए, जिनका बर्थ नंबर एट है, उनको कभी भी कोई लाइफ में शॉर्टकट नहीं अपनाना है। शेयर ट्रेडिंग शॉर्टकट मनी का जरिया होता है, आप दो बार आपको लगेगा कि मैं बहुत अच्छा कर गया, उसके बाद जितना कमाया उससे ज्यादा आप गवा दे, शॉर्टकट मनी से दूर रहना है, एक बार फायदा देगी, और फिर कर्मा का भी नंबर है, तो जितना देगी उससे दस गुना ले लेगी। तो जिन जिन लोगों, और आठ नंबर वालों को और भी ध्यान रखना है, कमीशन का काम करो ठीक है, लेकिन किसी को चीट नहीं करना है। अगर आपका कहीं पर आपने कोई एक्स प्रोडक्ट सेल किया 20 रुपी में, मार्जिन 5 रुपी है, तो बॉस को बोलो कि हाँ मैंने 20 रुपी में ही सेल किया, 5 रुपए ही मुझे मार्जिन दो। वो 22 में सेल करके यहाँ 5 बताएंगे, तो जो 2 रुपए का मुनाफा है ना, वो 10 गुना ज्यादा लेके चला जाएगा, जिसकी वजह से लाइफ में स्ट्रगल आएगा। तो आपने ट्रुथफुल रहना है, आपने किसी को चीट नहीं करना है, पेशेंस से काम करना है, एंड किस्मत आपका जरूर साथ देगी। जितना पावरफुल, जितना पैसे देने की क्षमता, जितना पावर देने की क्षमता, सिर्फ पैसा ही नहीं होता ना, पावर भी होती है, शनि में है वो, किसी में नहीं। शनि जी को सिर्फ चाहिए जस्टिस, मेहनत, इसीलिए वो बाकी लोगों से ज्यादा मेहनत कराते हैं। आप अगर कोई एग्जाम क्लियर करते हो तो आप बोलोगे कि मैंने इससे ज्यादा पढ़ाई की, मैंने इसको बताया, इसको पढ़ाया, ये मुझसे ज्यादा मार्क्स ले आया, राइट। क्योंकि शनि आपको और हार्डवर्क कराना चाहता है, शनि बोलते हैं अच्छे से करो ताकि उस लायक बनो, एंड उस लायक बनने के बाद भी अगर आपने किसी को चीट किया, किसी के साथ गलत व्यवहार किया, तो शनि बहुत पावरफुल है, दिया हुआ भी ले सकते हैं। आपने बहुत ही कोई भी शॉर्टकट मनी नहीं लेना है, मेहनत करो, आपको रिजल्ट मिलेगा, आपको रिजल्ट थोड़ा लेट मिलेगा। आप जो आज तक मेहनत कर रहे हो और आप चाह रहे हो ना 25-26 साल में सब बहुत अच्छा हो जाए, नहीं होगा, 35 साल 40 साल के बाद आपके लाइफ में सब कुछ धीरे धीरे स्टेबिलिटी आना चालू होगी, बट ये आपका नंबर करा रहा है, उसको एक्सेप्ट करो, पेशेंस रखो, पेशेंस सबसे बड़ी की है, राइट। कोई भी आपसे छोटा है, यानी कि भले स्टेटस में छोटा हो, लेबर क्लास हो, उन पे चिल्लाओ मत, उनको भी प्यार से डील करो, ये आपकी शनि को और अच्छा करेगा। तो ये पेशेंस आपके लिए की है। अभी जिसका डेस्टिनी नंबर एट है, जिसका डेस्टिनी नंबर एट होता है ना, बर्थ नंबर से ज्यादा उसको होता है कि मुझे जल्दी पैसा चाहिए, राइट, मुझे जल्दी करियर में आगे बढ़ना है, बहुत हड़बड़ होती है आपका भी है ना, तो ये हड़बड़ी को थोड़ा शांत रखना है, अगेन पेशेंस से काम करना है, आपको भी मेहनत करनी है। आठ नंबर जिनका डेस्टिनी है, उनको भी शेयर ट्रेडिंग नहीं करनी है। शेयर ट्रेडिंग में आपको शॉर्ट टर्म बेनिफिट और लॉन्ग टर्म लॉस होगा। सी
आप शॉर्ट टर्म बाय करो, शॉर्ट टर्म इंटरनेट में मत करो ना, लॉन्ग टर्म बाय करो। स्पेकुलेशन ये नहीं चलेगा क्योंकि आपको एक दो बार में अच्छा रिटर्न दे जाएगा लेकिन फिर वो लॉन्ग टर्म में लॉसेस कर जाएगा, ऐसा नहीं करना है, राइट। फिर एक और चीज का ध्यान रखना है आठ नंबर वालों को, इसके लिए कोई भी काम हो प्रॉपर्टी से रिलेटेड बहुत अच्छा है, बिल्कुल कर सकते हैं, रियल एस्टेट का काम अच्छा है ना, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम इनके लिए बहुत अच्छा है, जो भी चीज हमारी धरती वाली है ना, कंस्ट्रक्शन का काम, ईंट मिट्टी सब यहीं से बनता है, वो इनके लिए बहुत अच्छा है। आपके लिए इम्पोर्टेंट है बी ग्राउंडेड, नहीं चिल्लाना है, मतलब जो भी आपके अंडर काम कर रहे हैं उनका, आपको आपका शनि बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। डेस्टिनी नंबर 8 है, राइट, डेस्टिनी को रूल कर रहा है तो आपको और ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है, चिल्लाना नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, उल्टा काम करते हैं जो हमारे नंबर्स को नहीं करना चाहिए, जिसकी वजह से हम बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। सक्सेस आपकी डिले है लेकिन डिनाइल नहीं है, इसीलिए आप मेहनत करो, सक्सेस विल बी योर्स, पेशेंस रखना है, राइट। आठ नंबर वालों को हाथ के काम, मतलब जो भी काम है खुद की मेहनत से करना है, वो बहुत अच्छा रिजल्ट है, राइट। प्रेजेंटेशन बनानी है खुद बना लो, ज्यादा बेनिफिट मिलेगा रिजल्ट, हम बनवा के अपना नाम लेंगे वो भी गलत है। हाँ, जो इंसान बोलता है कि अगर कोई बॉस है ना, एम्प्लॉय से काम करवाएगा और जब सुपर बॉस आएगा तो बोलेगा मैंने किया, उसका सन तो वीक हो रहा है, प्रॉब्लम दे रहा है, उसका शरीर भी प्रॉब्लम देगा, राइट। लेकिन वही अगर कोई आपका बॉस बोलता है हमारी टीम ने ये किया, बेस्ट बॉस, बहुत जल्दी अचीव करेगा अपने सारे, राइट। ये आठ नंबर है, प्रॉपर्टी कोई भी चीज जो धरती से रिलेटेड है बहुत अच्छी, वो करनी चाहिए। नाउ कम टू नंबर 9, बहुत लोग हैं 9-10 की कॉम्बिनेशन वाले बहुत लोग हैं, सारा तो आपने बता दिया, बट ये आप 9 के लिए बचे हैं, 9 के लिए भी बहुत बचे हैं। 9 नंबर मंगल का नंबर है, मार्स प्लैनेट का नंबर है, सबसे ज्यादा पावर जो होती है ना 9 नंबर वाले लोगों में होती है, सबसे ज्यादा करेज 9 नंबर, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी जो 9 नंबर की है ना वो बाकी नंबर्स की उतनी नहीं है, राइट। तो आपके अंदर कितना सोचो ना, कितना करेज है, रिस्क लेने की ताकत की सब में होती है, नहीं होती है ना, 9 नंबर वालों में होती है, वो करेज होता है। और अगर 9 नंबर होने के बाद वो करेज नहीं है, यानी कि आपका मंगल वीक है, वर्क ऑन दैट, एक रेड कलर का धागा गले में डालो या हाथ में बांध लो, आपके मंगल को स्ट्रॉन्ग करेगा। मंगल वालों के लिए यानी 9 नंबर वालों के लिए वो बर्थ में या डेस्टिनी, एक चीज और इम्पोर्टेंट है, आप जितना ध्यान अपनी सेहत पे दोगे आप करियर में उतना राइज करो, अगर आप अपनी हेल्थ पर अपनी सेहत पे ध्यान नहीं दोगे आप करियर में लूज करोगे। तो अगर आपको वेल्थ चाहिए तो हेल्थ पे ध्यान रखो, जिम जाओ, योगा करो, मेडिटेशन तो माइंड के लिए, आपको अपनी फिटनेस पे ध्यान देना है, जो जितना फिट होगा वो करियर में उतना राइज करेगा, जो जितना अनफिट होगा वो करियर में उतना लूज करेगा, ये मंगल की क्वालिटी है, ये 9 नंबर की क्वालिटी। सो आपको क्या करना है, काम तो करना है लेकिन अपने ऊपर भी ध्यान देना है। करियर में अगर रिस्क नहीं लिया तो क्या किया, राइट। रिस्क लेंगे तभी तो सक्सेस की ग्रोथ मिलेगी ना, तो बस अपने आप को फिट रखो, करियर में रिस्क लो, रिजल्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा। रिजल्ट 9 नंबर वालों को भी मेहनत करने पर मिलेगा, बिना मेहनत के उनको नहीं मिलेगा, अगर वो सोचेंगे कि सब चीज आ जाए थाली में परसा मिल जाए, नहीं मिलेगा, 8 नंबर को भी नहीं मिलेगा, 9 को भी नहीं मिलेगा, राइट। उनके लिए क्या है, मेहनत करो रिजल्ट करो। 9 नंबर वालों के लिए तो एक और चीज है, हेल्थ पे ध्यान रखो और मेहनत करो, आपको रिजल्ट मिलेगा। सो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है 9 नंबर जो बर्थ और डेस्टिनी दोनों वाले हैं, अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हाँ जी, अब अगर आपका डेस्टिनी नंबर 9 है, डेस्टिनी नंबर अगेन मंगल की एनर्जी तो वहां पे भी आ रही है, लेकिन वो एनर्जी आपकी होगी 30-35 के बाद एक्टिव ज्यादा, 30-35 से पहले आपके बर्थ नंबर की एनर्जी ज्यादा रहेगी, 30-35 के बाद आपके 9 नंबर की एनर्जी इक्वली रहेगी जो आपके बर्थ नंबर की एनर्जी। आपको कोई भी काम अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे रिस्क लेके करना चाहिए, आप बिल्कुल कर सकते हैं, पॉजिटिव अफर्मेशन के साथ रिस्क लेके आप बिल्कुल काम कीजिए, लेकिन अगेन हेल्थ पे ध्यान रखिए। वो हीरो का नाम बोलिए, मैं अक्षय कुमार, 9 नंबर जितना फिट होता जा रहा है उतना करियर में अच्छा करता जा रहा है, राइट।
लोग उसको पसंद करते हैं। नौ नंबर वालों के अंदर ना बहुत ज्यादा पावर होती है, वो पावर किसी और नंबर में है, वो सिर्फ और सिर्फ नाइन नंबर में होती है पावर। सो वो पावर को आपको यूज करना है। पॉलिटिक्स में बहुत अच्छा करता है नाइन नंबर भी, क्योंकि पावर का नंबर है ना। लोगों को ज्यादातर आप देखोगे जो वॉरियर्स हैं वो नाइन नंबर है, लीडर है नाइन नंबर, लेकिन दो तरीके से काम करता है, या तो अच्छा होता है या फिर अच्छा नहीं होता है, लेकिन पावर करेज दोनों में होता है। तो जिनका नाइन नंबर वीक है वो सिपाही की तरह काम करते हैं कि इंस्ट्रक्शन दे दिया फॉलो कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शन दे दिया फॉलो कर रहे हैं, नाइन नंबर वीक है। और जिनका नाइन नंबर पावरफुल है किसी के अंडर काम नहीं करेंगे, हमें पता है क्या करना है। इनके अंदर ना सोसाइटी के लिए कुछ करना, देश के लिए कुछ करने के लिए बहुत ज़्यादा ये रहता है कि यार मुझे करना है, मुझे करना है। स्पेशली जिनका डेस्टिनी नंबर नाइन है, उनको ऐसा लगता है मुझे कुछ करना है यहाँ के लिए, इन लोगों ने मेरे लिए किया है या सोसाइटी के लिए मुझे कुछ करना है, ये भावना उनके अंदर बहुत होती है। किसी के अंदर दब के काम नहीं कर सकते, नाइन नंबर डेस्टिनी वाले किसी के अंदर दब के काम नहीं कर सकते, उनको गुस्सा आती है, फ्रस्ट्रेट होते हैं, इसलिए कई बार जॉब छोड़ देते हैं। तो डेस्टिनी नाइन है आपका, तो आपने अपनी फिटनेस पर ध्यान देना है। बिजनेस आप कर सकते हैं, लेकिन बिजनेस कैसा करना है, अगेन जो हमारे अर्थ रिलेटेड एलिमेंट है उनका बिजनेस कर सकते हैं, है ना। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का बिजनेस कर सकते हो, मेटल भी अर्थ से निकलता है, राइट। अर्थन एलिमेंट का बिजनेस कर सकते हैं, उनके लिए वो अच्छा है। रियल स्टेट का काम नौ नंबर वाले भी कर सकते हैं। अपनी पावर में काम करना है, अपनी पावर में काम कीजिए। दब के काम करेंगे तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, काम ही नहीं कर पाएंगे, किसी के साथ पार्टनरशिप करेंगे नहीं टिक पाएंगे। क्यों नहीं टिक पाएंगे, दब के काम नहीं करना ना। आप चाहते हो मेरे हिसाब से चले, सामने वाले बोलेगा मेरे हिसाब से चलना है, राइट। तो इसीलिए तो ये है नाइन नंबर तक का ऐसा। अभी किसी की कोई क्वेश्चन है, मैंने ज्यादा टाइम लिया, तो दो नंबर आया, अप्रैल है तो फोर आया, टू प्लस फोर सिक्स, ठीक है। फिर 1984 है तो 1 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 4, इन सब को हमने टोटल कर लिया। अब इनका टोटल हमने सिंगल डिजिट करना है, राइट। सो आपकी कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ का टोटल, जिसकी डेट ऑफ बर्थ में अगर, जैसे हम जब डेट करते हैं, आपकी अगर डेट ऑफ बर्थ में एटलीस्ट आउट ऑफ 9 8 नंबर्स आ, 8 नंबर तक आ, आठ नंबर यानी कोई सिर्फ एक ही नंबर मिसिंग है, बाकी के सारे नंबर हैं। सबसे ज्यादा ऑब्स्टेकल्स उस इंसान की लाइफ में होंगे, सबसे ज्यादा हेल्थ इश्यूज उस इंसान को होंगे जो उसको शायद 30-40 की एज से फील करने लगा हो, जिसकी डेट ऑफ बर्थ में, डेट ऑफ बर्थ में एक्चुअली आपकी जो कंप्लीट आपकी लाइफ है वो आपकी डेट ऑफ बर्थ डिसाइड करती है। बर्थ नंबर आपका कोर बिहेवियर है, आपका कोर नेचर है, डेस्टिनी आपको रूल कर रही है, राइट। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे नंबर होते हैं, हमारी डेट ऑफ बर्थ है, वो सब डेट ऑफ बर्थ से एक इंसान की लाइफ बनती है, प्लस उसका नाम क्या है, आपका नाम और आपकी डेट ऑफ बर्थ अगर साथ में रेजोनेट करते हैं, तो अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में राजयोग है तो आप सचमुच राज करेंगे। लेकिन अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में राजयोग है, नाम खराब है, तो इंसान बोलेगा लोग तो बोलते हैं राजयोग या राजयोग, कुछ तो नहीं है, मैं तो कुछ नहीं कर पा रहा, इनफैक्ट और ज्यादा डेट में हूँ, और ज्यादा दूसरी प्रॉब्लम, राइट। नाम का नंबर और डेट ऑफ बर्थ का नंबर जो अपना है, इट शुड बी सेम और नहीं, ऐसा नहीं है, ये डिपेंड करता है कि आपके एक्चुअली क्या होता है, जो नाम के नंबर होते हैं वो भी आपकी कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आप चेक करते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं 1 and 9 नंबर, ये बहुत अच्छे नंबर्स हैं, 1 नंबर को 9 नंबर हमेशा सपोर्ट करता है, 9 को 1 करता है, ठीक है। 1 के बहुत सारे कॉम्बिनेशन है, उसमें से सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन 46 है, लेकिन मैं अगर किसी 9 नंबर वाले का नाम 46 पर रखूं, उसको हार्ट अटैक आ सकता है। इनफैक्ट मैक्सिमम 80% केसेस में डेथ हार्ट अटैक से होती है। सो आपका जो नाम नंबर ये सारी चीजें हैं, ये बहुत ही ज्यादा रिस्की होते हैं आपके, जैसे मैंने बोला हेल्थ इश्यूज, ये व्हाई माय नेम इज अंशिका, राइट, बिकॉज ये आपकी वो हेल्थ को भी डिसाइड करता है। इसीलिए क्या होता है, सिर्फ ये फेवरेबल है रखना।